ये एल्बम तो यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ होगी? कहीं कबीर के उस रूम में तो नहीं है? जाके एक बार चेक करते हैं। أشهد أن محمد رسول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله जब जब यहाँ आती हो जारा, हम तमाशा बन के रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि अभी इसी वक्त जारा के सारे कपड़े इकट्ठे करो और कल सुबह तक उसके घर पहुंचा दो। आज के बाद उसका कोई सामान इस घर में नहीं देखना चाहिए। उसे कोई वजह नहीं मिलनी चाहिए इस घर में वापस आने की। ऐ मेरे रब, जारा और मुझे इतनी समझ दे कि हम दोनों अपनी किसी भी गलती से एक दूसरे का अमन और चैन बर्बाद ना कर सके। अगर हम एल्बम घर में देखेंगे तो अम्मा अप्पा को पता चलेगा और फिर से बवाल खड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा बाहर जाकर देखते हैं। हमारा शादी का एल्बम, लेकिन ये किसने भिजवाया इसे? सीमा भाभी। सलामकुम सीमा भाभी। वालेकुम अस्सलाम कबीर, कहाँ हो मियाँ तुम? सुनिए सुनिए सीमा भाभी, हमारा शादी का एल्बम जो हमारे कमरे में था, आपने जारा के पास भिजवाया क्यों? देखो कबीर, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ वही किया जो अबू ने कहा। और तुम्हारी जारा भी तो, मतलब जारा भी तो वो एल्बम मांग रही थी, तो हमने दे दिया, क्या गलती की? हम आपको बाद में फोन करते हैं। Thank you.
इस बात की खबर आई है, मतलब कबीर अहमद को इस बात की खबर आई है कि आपने हमारी शादी का, कबीर अहमद की शादी का एल्बम मंगवाया, क्यों? ये वो जारा है ना जो आपके घर पर उस दिन। एनीवेज आप यहाँ कॉन्सर्ट में कैसे? अरे आमरी माशाल्लाह, कभी आप भी यही हैं भाई, तभी हम सोचे यहाँ पे इतनी रौनक कैसे हो गई है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। चलो कौन से चालू हो गए? चलो सुनो सुनो सुनो, सबीना खाला यूएसए से आई थी, शायद बताया था तुम्हें। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये उनकी बेटी अमरीन साहब। सलाम अलैकुम। आदा। कैसे आप लोग? अम्मी कॉन्सर्ट शुरू होने वाला होगा, हम लेट हो जाएंगे, चलते हैं कॉन्सर्ट के बाद मिलते हैं। ये हो क्या रहा है? मतलब सारे जान पहचान वाले से नजर गड़ा के बैठे रहती कि हम लोग घर से बाहर निकले और हमें पकड़े, हैं? वो मिल ही जाता है यार। आओ चलो। वो यहाँ है। कौन यहाँ है? जारा। जारा यहाँ है? तुम मिले? और उसने हमें अमरीन के साथ भी देख लिया। सोची होगी कि हम अमरीन के साथ आए थे। अजवा इसमें लगना क्या है, सब कुछ तो साफ है कि वो दोनों एक साथ यहाँ इस कॉन्सर्ट में आए हैं, और मकसद वो भी समझ आ ही रहा है हमें। पता है हम कभी से कहते थे कि हमें गजल में ले चलो तो हमेशा मना कर देता था कि नहीं, हमें बोर होता है, हमें नींद आती है, कभी नहीं चलता था। लेकिन यहाँ हमारे फेवरेट सिंगर के कॉन्सर्ट में किसी और लड़की के साथ आए हैं। जारू तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो? तुम जानती हो ना कबीर कैसा है, मैं लगता है वही तो बात है, कबीर हमारी सोच से परे ये सब कर रहा है, हमें और हमारी यादों को इतनी भी भुलाने की क्या जल्दी थी कि अपना किरदार ही भूल बैठा। अरे नहीं कबीर, वो तुम पे शक नहीं करेगी, तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में जानती है। अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम उससे जाके बोल दो ना कि तुम हमारे साथ हो, हम जाके नहीं, 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 कुछ नहीं बताना उसे, नहीं नहीं। तुम चाहते क्या हो? उसे कुछ नहीं समझाना है, उसे जो समझना है उसे समझने दो, क्योंकि देखो इमरान मियां, कम से कम जारा तो कल की यादों से आगे बढ़े, हमारी यादों से आगे बढ़े, उसे कुछ नहीं बताना। और अच्छी बात है ना, मतलब तुम ही सोचो, कॉन्सर्ट में आई है वो अपना दिल बहलाने के लिए, वो आगे बढ़ रही है, खुश है, अच्छी बात है। ये अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आजकल। आओ चलो, लेट हो रहा है। नहीं सर, हम नहीं आएंगे। कबीर चलो, अभी दूर रहेंगे तो सबके लिए बेहतर होगा। हम जा रहे हैं जरा। एक मिनट कहाँ जा रही हूँ? अजय तुम कॉन्सर्ट में जाओ, जब खत्म हो जाए तो घर आ जाना, हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ूओं का बिखरना भी जरूरी। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। ओ मैडम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम यहां बैठकर क्या कर रही हो, तारे गिन रही हो क्या?
जारा तुम घर क्यों नहीं गई? अजरम घर जाते तो अम्मा अब्बा सवाल करते कि तुम घर क्यों आ गई, क्या हुआ, और हम उनसे झूठ नहीं बोल पाते, इसलिए हम यहीं बैठे रहे। ये क्या चल रहा है जारू? ये जो हो रहा है ना, सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत। अजरम कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है। ये ठीक है, इधर देखो, ये ठीक लग रहा है तुम्हें? हाँ, तुम्हारा आधा एल्बम अपने पास रखना ठीक है? कबीर के सामने आते ही तुम्हारा मूड बदल जाना, ये ठीक है? तुम आंखों में मायूसियत और ऐसे सब कुछ सही है होने का ऐसे दिखावा करना, क्या ये ठीक है जारू? रिजवान हमें बार बार क्यों फोन कर रहा है? हमने कबीर को बुलाने की तरफ अपना पहला कदम उठा लिया है अजरा। हमारी जात अब कबीर के नाम की मोहताज नहीं रह गई है। हमने अपना नाम सारा कबीर अहमद से ज़ारा सिद्दीकी कर लिया है। हमने नाम बदल लिया? हमने नाम नहीं बदला है, बल्कि बीते हुए कल में हमारे नाम के साथ जो अल्फाज जुड़े थे उन्हें अपने से दूर कर दिया, क्योंकि अब वो हमारे नहीं है। हमारा जो असली नाम था वो वापस ले लिया है। आप उदास हैं? नहीं। आप यही तो चाहते थे कि जारा सब कुछ भूल के आगे बढ़ जाए। अब वो हो रहा है तो आपकी आंखें गमगीन क्यों हैं? जारा कबीर अहमद, ये जो नाम है जारा को बहुत अच्छा लगता है। बड़े फकर के साथ कहती थी, हम जारा कबीर अहमद हैं। अब वो वक्त आ गया जब उसने अपने नाम से हमारा नाम उधेड़ कर फेंक दिया, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बुरा तो लगेगा ना, मतलब थोड़ा। वैसे उन्होंने अपना नाम बदला, उनसे आपको शिकवा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो फिर भी देर कर दी, और अगर हम होते और हमारा खुला मुकम्मल होता तो सबसे पहले हम अपना नाम ही बदलते। हम काश बदल लेते, काश ये नाम पहले ही बदल लेते अजरा। ठीक है ना दारू, अब कर लिया तुमने, कम से कम पहला कदम तो उठाया ना। देखो
तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, सब मेरी झूठी तसल्ली देना बंद करो ना। अज़रा हमने जो कुछ भी किया है ना, हमारे दिल में उस बात का कहीं ना कहीं अफसोस है और वो अफसोस हमें सांप बनकर डसता जा रहा है। हम जानते हैं हम जिस रास्ते पर चलने वाले हैं उस रास्ते पर कांटे ही कांटे हैं, लेकिन वो कांटे ना हमें लहू लुहान करने पर तुले हुए हैं। दिल टूटने पे तो दर्द होना चाहिए ना, हमारी जान क्यों निकली जा रही है? ये सब छोड़ो, तुम हमें ये बताओ, सूफी जान बता रही थी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए थे ना, तो मिल गए वो डॉक्यूमेंट्स? कौन छोड़ने आया था? ड्राइवर लेकर आया? कबीर ने ला कर दिए, पर वो अमरीन के साथ था। उठ गया मैं। ठीक है, राख है, बीते हुए कल की राख, उसे देखने से कोई फायदा नहीं, इसे फेंक दीजिए। दिखाइए। वैसे अम्मा आप अब्बा के लिए चाय बना रही थी ना, आप चाय बनाइए, हम ये कचरा साफ कर देते हैं, हमारे लिए भी चाय बना दीजिएगा। ये क्या बेटा, तुम नींद की दवा ले रहे? हाँ, वो हमें नींद नहीं आ रही थी। हमें तुम कब से नींद की गोलियां लेने लगे? आज से अम्मी। दवा का पत्ता तो कुछ और ही हकीकत बयान कर, ऐसा लग रहा है जैसे तुम रोज ले रहे हो। अम्मी मजबूर है, नींद नहीं आ रही आजकल, तो इसलिए दवा ले रही। इतनी मजबूरी कैसे बढ़ गई कबीर कि तुम अपने जहन और दिल से खिलवाड़ कर रही हो, किसी से कुछ कहते नहीं। हमें बताओ हुआ क्या है, काम में नुकसान हुआ है, किसी से झगड़ा हुआ है, या फिर जारा की याद आ रही है? नहीं, किसी को याद नहीं कर रहे, क्योंकि वक्त ही नहीं हमारे पास किसी को याद करने का। अब बेफजूल परेशान हो रही, कुछ नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। देखिए जीनत, संभाल के चला करो, ध्यान रखा करो जीनत, ये पानी पी लो। हमें क्या पता, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है बेटा? क्या हुआ काशान, क्या हुआ, आखिर बात क्या है, हुआ क्या है? अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल थोड़ा सा चक्कर आ गया था तो हमने बिठा दिया। ठीक तो हो बेटा, बताओ तो सही आखिर बात क्या, कोई कुछ बता ही नहीं रहा। अम्मी हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है। दरअसल हम डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने कहा था अपनी सेहत। तुम लोग डॉक्टर के यहाँ चले गए और हमें बताया नहीं, जीनत को हुआ क्या है? काशान तुम तो बताओ। हम आपको बताने वाले थे कि जीनत सीनत उम्मीद से है। माशाल्लाह। मबरूक हसन भैया, मबरूक, मुबारक। शुक्रिया अम्मी।
अल्लाह ने हमारे घर में क्या हुआ था? आप ठीक तो हो ना? हाँ हाँ अम्मी बिल्कुल ठीक है। तुम कहते थे ना कि तुम्हारे साथ खेलने के लिए कोई है नहीं, अब तुम्हारे साथ खेलने के लिए कोई आने वाला है। कौन आने वाला है? नुसू आ रही है? नहीं, अल्लाह मियाँ तुम्हारे लिए एक नन्ना सा मेहमान भेज रहे हैं खेलने के लिए। ये शैतानी करते हो तुम। अच्छा दादी, भाई आएगा कि बहन? दादी को कैसे पता होगा कि वो भाई है कि बहन? अच्छा आपको तो पता होगा ना? नहीं बाबा, हमें भी नहीं पता। तो किसे पता है? इधर आओ, तुम बहुत सवाल पूछ रहे हो। इधर आओ। कोई भी दुआ होगी ना अल्लाह ताला से करना, कबूल होगी। तो फिर हम बहन ही मांगेंगे। अच्छा क्यों? उसके साथ बहुत सारा खेलेंगे और अगर उसको कोई छेड़ेगा तो उसको बहुत पीटेंगे, बहुत पीटेंगे। बेगम, इंतजार किस बात का है? ये खुशखबरी औरों को नहीं सुनाएंगे आप? नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि ये खुशखबरी हम बस अपने खास रिश्तेदारों को ही बताएं। हम नहीं चाहते कि हमारी जीनत को किसी की नजर लगे। अब से अपना ख्याल रखना बेटा, किसी चीज की जरूरत हो हमें बताना, भारी सामान नहीं उठाना, सीढ़ियां नहीं चढ़ना। अम्मी हम अपना ख्याल रखें। आराम करो। आओ जीनत, आओ जीनत। तो आखिर जारा वक्त और हालात से हार कर लखनऊ छोड़कर भाग रही है। जाओ जारा जाओ, कबीर की जिंदगी से दूर चली जाओ, इतना दूर कि कभी तुम दोनों का आमना सामना भी ना। अल्लाह आपको यूं ही सारी खुशियां देता रहे बज्जू। आज से आप कोई भी काम नहीं करेंगे, आपके हिस्से का सारा काम हम करेंगे, आप बस आराम करेंगे। हाँ 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 रुखसार, हम जानते हैं। देखा अम्मी, हमने कहा था ना ये रुखसार की बच्ची यहाँ आएगी तो हमारी अम्मा बनकर हमारी नसीहतें करने लगेगी। क्यों ना करे, हम आपके लिए बहुत खुश हैं बज्जू, बहुत बहुत खुश। अस्सलाम वालेकुम कबीर, मुबारक हो, तुम भी चाचू बनने वाले हो। वालेकुम अस्सलाम, मुबारक तुम्हें भी। शुक्रिया। वैसे रुखसार यहाँ कैसे? वो हम अम्मी के साथ आए, अम्मी जारा के घर आई थी तो हम भी अम्मी के साथ आ गए। क्या जरूरत थी वहां जाने की, उन्हें जीनत बाबी की खबर देने की, उनसे कोई भी बात करने की क्या जरूरत है? तो गलत क्या किया कबीर? सलमा बहन हमारी अजीज रह चुकी और जारा हमारी बेटी। अब घर की खुशखबरी अपनी बेटी को ना सुनाए। सगी बेटी नहीं है वो। खुदा के वास्ते वहां जाना बंद कीजिए, कोई जरूरत नहीं है अम्मी, खुदा के वास्ते अम्मी। हम जानते हैं कि जीनत भाभी की बच्चे की खबर सुनकर जारा को खुशी तो हुई होगी, पर साथ ही बहुत सारे गुजरे हुए पल दिमाग में भी उमड़े होंगे। जितना हम चाहते हैं कि जारा मूव ऑन करे, आगे बढ़े, उतना ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो जारा को आगे बढ़ने से रोक लेता है। हमें तुमसे कुछ पूछना है। सब कैसे? सब अच्छे हैं। काजी साहब, अम्मी जान, सब ठीक है? सब सब खैरियत। अब जारा, मतलब उसकी तबीयत वगैरह? हम आंखें बंद करते हैं तो कबीर का चेहरा सामने आ जाता है, हम आंखें खोलते हैं तो कबीर की यादें हमें घेर लेती हैं। बता दीजिए तो हमें, हम कैसे सुलझन से बाहर निकले? आप ये शहर छोड़ दो बेटा,
आप दिल्ली चले जाओ बेटा। सर जारा को क्या हुआ? जारा अच्छी है, बहुत खुश है। यहाँ आने से पहले हम उससे मिलकर आए। अच्छा, खुश है, ठीक है, शुक्रिया। उसकी जितनी खैर चाहते हो कभी चाह लो, अगले 24 घंटों में जारा तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। ओ मिस आइंस्टाइन, क्या सोच रही हो? अजरा एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि हमें कबीर को बता देना चाहिए कि हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं? बिल्कुल बताओ, है ना? हाँ, तुम सही कह रही हो, तुम्हें बता देना चाहिए। काम करो, जहाँ वो दिल्ली के जो एड्रेस में रहने वाली हो ना, वो भी बताओ। अब वो नंबर चेंज हो जाएगा ना तुम्हारा, वो नंबर जरूर दे देना उसको। एक मिनट, हम तो कहते कि हम कबीर की टिकट करवा लें तुम्हारे साथ। बेस्ट आइडिया, तुम दोनों दिल्ली में जाके रहना, हाथ में हाथ डालकर घूमना, मजे करना। और क्या, आपसे मजाक मत करो। शुरू किसने किया था? पर अल्लाह, हमें ना समझ ही नहीं आता कि तुम्हारा क्या माजरा गया है तुम्हारे साथ। एक तरफ तुम बोलती हो कि भाई हमें अपने बीते हुए कल से आगे बढ़ना है, दूसरे शहर जाके बसना है, और दूसरी तरफ